देखो ऐसा है, ये जो 50% आरक्षण है ये बेरोजगार युवाओं के हितों के साथ में कुठाराघात है। जो बीएसटीसी लेवल वन में जो छात्र तैयारी करते हैं उनके पास में ना सेकंड ग्रेड का ऑप्शन है, ना फर्स्ट ग्रेड का ऑप्शन है, ना कोई और भर्तियों का ऑप्शन है। उनके पास ले दे के यही भर्ती बचती है, और उसके बावजूद भी अगर यहाँ से बच्चों को अगर मौका नहीं मिलेगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे। अगर आप देखो कि 50% सीधा रिजर्व होता है, उसके बाद में जो सीटें बचती है वो एक्स आर्मी मैन है, स्पोर्ट है, हैंडीकैम्प है, मात्र 15% सीटें बचती है। और 100 में से 15 सीटों में जर्नल है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी ओबीसी सारे लोग है। ये लोग कैसे नौकरी लगेंगे आप मेरे को बताने का कार्य करिए। भजनलाल सरकार पे पेपर लीक तो रोके नहीं जा रहे, भर्तियां वो निकाल नहीं पा रहे, और युवाओं पे गलत कार्य को थोप रहे हैं। भजनलाल सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि किसी युवा ने, किसी बहन ने अगर इस बिल की मांग करी हो तो आज हम शहीद स्मारक से चले जाएंगे। हम मांग कर रहे हैं कि आप जो एसआई का पेपर है, यूआरओ का पेपर, उसे हम रद्द कर दीजिए, 70,000 भर्तियों का वर्गीकरण कर दीजिए, भर्ती हम निकाल नहीं रहे। महिलाओं के लिए अच्छा करना है तो महिलाओं को अच्छा करना है तो सीएम साहब से कहना चाहता हूँ, विधानसभा में बराबर की महिला लाइए और राजस्थान की मुख्यमंत्री किसी महिला को बनाइए। जब महिला सशक्तिकरण होगा भर्तियों में, 50% करने से महिला सशक्तिकरण नहीं होता है सब। महिला सशक्तिकरण करना है तो आप सारी जगह करिए इसको, महिला को वहां भेजिए जहां उनको ताकत मिले, जहां वो हो गया क्या करेंगे। हम मजबूती से इस चीज को लेकर सरकार का विरोध कर रहे हैं, और आने वाले 22 इलेक्शन में ये पूरे युवा ये शपथ लेके यहाँ आए, अगर इस बिल को सरकार वापस नहीं लेती है तो 22 इलेक्शन में बीजेपी को पूरी सीटें ये युवा हराने का कार्य करेंगे। क्योंकि ये युवाओं से इससे बड़ा मामला है, युवाओं के सुनना नहीं चाहते, युवाओं की मानना नहीं चाहते, तो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ में ये अन्याय है, और ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। मजबूती से हमारी आवाज को उठाने के लिए पहुंचे है। मनोज मीणा को पुलिस हिरासत में लिया जा रहा है, और मनोज मीणा के साथ मनोज मीणा से हम लगातार बातचीत करने यहाँ पर। मनोज, मैं कहना चाहता हूँ अगर सरकार मेरा दमन करती है मैं अभी से अनशन शुरू करता हूँ, और मैं अनशन पर बैठा हूँ, मेरी जान चल जाएगी, लेकिन मैं हटूंगा नहीं। चाहता सरकार इस बिल को वापस नहीं करेगी, मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। आप गलत तरीके से मेरी आवाज को दबाने का कार्य कर रहे हो, इस प्रकार से आप मेरी आवाज को नहीं दबा सकते। आप इस प्रकार से मेरी आवाज को कैसे, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने हाथ उठाने का हक है, आप इस प्रकार से मेरी आवाज को दबा रहे हो। मैं भजनलाल सरकार से कहना चाहता हूँ आपको एक गिरफ्तारी बहुत भारी पड़ेगी। आप बेरोजगार युवाओं को दमन कर रहे हो, और मैं अब अनशन पे बैठा हूँ, मेरी अगर मौत हो जाती है तो भजनलाल सरकार जिम्मेदार है, भजनलाल सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इस प्रकार से